हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलोग आज की इस वीडियो में हम बायोस्फीयर रिज़र्व्स इन इंडिया के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम कुछ थियोरी डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम कुछ टॉप एमसीक्यूज़ का डिस्कशन भी करेंगे तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं बिफोर स्टार्टिंग दैट बायोस्फीयर क्या होता है तो देखिए बायोस्फीयर एक ऐसा प्लेस ऑफ इंटरेक्शन होता है जहाँ पर लैंड वाटर और एयर मिलते हैं और टुगेदरली ये लाइफ को सपोर्ट करते हैं या फिर हम कह सकते हैं जहाँ पर लिथोस्फीयर रिलेटेड टू लैंड या फिर एटमोसफेयर रिलेटेड टू एयर एंड हाइड्रोस्फेयर यानी रिलेटेड टू वाटर एक ऐसा प्लेस ऑफ इंटरेक्शन होता है जहाँ पर हवा पानी और लैंड मिलती है और टुगेदरली यानी एक साथ ये लाइफ को सपोर्ट करते हैं और अगर हम बात करें बायोस्फेयर रिजर्व्स की तो बायोस्फेयर रिजर्व्स आर द साइट स्टैब्लिश्ड बाय द कंट्रीज एंड रिकॉगनाइज अंडर द यूनेस्कोस मैन एंड बायोस्फेयर यानी कि मैप प्रोग्राम टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन लोकल कम्युनिटी इफ़र्ट्स एंड साउंड साइंस तो देखिए बेसिकली जो यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो मैप प्रोग्राम है यानी मैन एंड बायोस्पेयर प्रोग्राम है उसके अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाता है तो अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जो प्रेजेंट की जनरेशन की नीड को तो फुलफ़िल करता ही है और उसके साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने को कहता है ताकि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उनको रिसोर्स की कोई कमी ना हो बायोस्फेयर रिज़र्व आर प्रोटेक्टेड एरियाज़ मैंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लाट्स एंड एनिमल्स और जो बायोस्फेयर रिज़र्व होते हैं वहाँ बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन किया जाता है द प्रोग्राम ऑफ बायोस्फे रिजर्व वॉज इनिशियड बाई एंड बात करेंटेड बाई काइजेशन तो इसने स्टार्ट किया था नाइनटीन हंड्रेड से यह आपने याद रखना है अगर हम बात करें यूनेस्को की तो ये नवंबर सिक्सटीन नवंबर नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी फाइव में बना था और अगर हम बात करें इसके हेड क्वार्टर्स की तो यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स यूनेस्को के हेड क्वार्टर्स फ्रांस के पेरिस में लोकेटेड हैं तो आगे देख लेते हैं इंडिया स्टार्टेड

जोन होता है जहां पर सॉयल वाटर और एयर टुगेदरली कंबाइन करते हैं और लाइफ को सस्टेन uh, करने में हेल्प करते हैं लाइफ कैन ओनली अकर इन दिस जोन और लाइफ पायोस्फेयर में ही एग्जिस्ट कर सकती है द नीलगिरी पायोस्फीयर रिजर्व ऑज द फर्स्ट पायोस्फेयर रिजर्व इन इंडिया स्टैब्लिश इन द ईयर नाइनटीन हंड्रेड एटी सिक्स तो नाइनटीन एटी सिक्स में जो हमारा फर्स्ट पायोस्फेयर रिजर्व था दैट वॉज नीलगिरी पायोस्फेयर रिजर्व

बायोस्फीयर रिजर्व है और अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिज़र्व की तो ये है डिब्रू साइकोवा इन असम तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट है गल्फ ऑफ इन गुजरात और स्मॉलेस्ट है डिब्रू डिब्रू साइको इन असम तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं बायोस्फीयर रिज़र्व अंडर द मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को तो यानी मैप प्रोग्राम जो यूनेस्को का है उसके अंडर कौन से इंडिया के 12 बायोस्फीयर रिज़र्व हैं तो अगर हम बात करें फ़र्स्ट की तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिज़र्व इन द ईयर टू थाउजेंड ये यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंडर आ गया था और अगर हम बात करें जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिज़र्व है ये कौन से स्टेट में है तो ये तमिलनाडु केरला और कर्नाटका में फैला हुआ है नीलगिरी बायोस्फेर रिज़र्व तो नेक्स्ट देख लेते हैं गल्फ़ ऑफ मन्नार पायोस्फेयर रिज़र्व तो अगर हम बात करें गल्फ़ ऑफ मन्नार पायोस्फेर रिज़र्व की जो टू थाउजेंड वन में इसको इंक्लूड किया गया था और गल्फ़ ऑफ मन्नार ये तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड है गल्फ़ ऑफ मन्नार बायोस्फेयर रिजर्व इट इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु नेक्स्ट है सुंदरबन बायोस्फेयर रिजर्व 2001 में इसे इंक्लूड किया था और सुंदरबन ये वेस्ट बंगाल में है सुंदरबन बायोस्फेयर रिजर्व इट इज़ लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल नेक्स्ट आता है नंदा देवी बायोस्फीयर रिज़र्व 2004 में इसे इंक्लूड किया गया था और ये उत्तराखंड में लोकेटेड है अगर हम बात करें पंचमरी की तो देखिए नेक्स्ट है हमारा पंचमरी बायोस्फीयर रिज़र्व और जो हमारा पंचमरी बायोस्फीयर रिज़र्व है ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और टू में इसे इंक्लूड किया गया था नेक्स्ट है हमारा नोक बायोस्फेयर रिज़र्व इन द ईयर 2009 में से इंक्लूड किया गया था और ये मेघालय में लोकेटेड है नेक्स्ट आता है हमारा सिमली पाल बायोसफेयर रिज़र्व सिमली पाल बायोस्फेयर रिजर्व को 2009 में इंक्लूड किया था और ये ओडिशा में सिचुएटेड है नेक्स्ट है हमारा अचना कमर अमरकंटक बायोसफेयर रिजर्व 2012 में इसे बेसिकली इंक्लूड किया गया था ये आपने याद रखना है और अगर हम बात करें ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है तो बेसिकली ये छत्तीसगढ़ स्टेट को कवर करता है ये अचना कमर अमरकंटक बायोस्फेयर रिज़र्व यू हैव टू रिमेंबर दिस नेक्स्ट है हमारा ग्रेट निकोबार बायोस्फेयर रिजर्व 2013 में इसे इंक्लूड किया गया था और नाम से ही पता चल रहा है ग्रेट निकोबार ऑफ कोर्स इट विल बी लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ये आपने याद रखना है तो देखते हैं नेक्स्ट है हमारा अगत मलाई बायोस्फेर रिजर्व तो अगस्त मलाई बायोस्फेर रिज़र्व इसको 2016 में इंक्लूड किया गया था और अगर हम बात करें कहाँ लोकेटेड है सो इट इज़ लोकेटेड इन केरला नेक्स्ट है हमारा कंचनजंगा बायोस्फेयर रिजर्व स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट है बट इट्स ऑल्सो करेक्ट सो बट इसको इंक्लूड किया था टू में और ये uh, <coughs> और ये पार्ट्स ऑफ सिक्किम में लोकेटेड है सम पार्ट्स ऑफ सिक्किम सम पार्ट्स ऑफ सिक्किम एंड नेक्स्ट है हमारा पन्ना बायोस्फेयर रिजर्व इसको टू थाउजेंड ट्वेंटी में इंक्लूड किया गया था और अगर हम बात करें कहाँ लोकेटेड है so, सो इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश तो बेसिकली आपने ये याद रखना है तो चलिए आगे देख लेते हैं तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज़ द सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी वेस्ट बंगाल में सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है तो मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट ट्वेल्व बता दिए हैं इसके अलावा हम कुछ और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे तो आपने इनके आंसर्स आपको बताने हैं अगर आपको आते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में आप इनके आंसर बता सकते हैं सो so, इन विच स्टेट इज द सुंदरबन बायोस्फेयर रिजर्व लोकेटेड राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल में सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है और ये वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट है और लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया है वर्ल्ड का और इंडिया का सो so, लोकेशन की बात करें तो पार्ट ऑफ़ डेल्टा ऑफ गेंगे एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम तो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा जो रिवर सिस्टम मनाया जाता है वहाँ पर सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में 1989 में इसे इस्टेबलिश किया गया था और यूनेस्को डेजिग्नेटेड एट अ बायोस्फेयर रिजर्व इन द ईयर टू तो टू में यूनेस्को ने इसे बायोस्फेयर रिज़र्व के मैप प्रोग्राम के अंडर इंक्लूड कर लिया था नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज नॉट लोकेटेड इन विच स्टेट तो राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी आंध्र प्रदेश तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व है ये बेसिकली थ्री स्टेट्स में फैला हुआ है कौन कौन से तमिलनाडु केरला एंड कर्नाटका में फैला हुआ है और आंध्र प्रदेश में लोकेटेड नहीं है सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इट कवर्स द पार्ट ऑफ तमिलनाडु केरला एंड कर्नाटका अगर हम बात करें इसके इस्टेब्लिशमेंट की तो नाइनटीन में ये इस्टेब्लिश हुआ था यूनेस्को डेजिग्नेटेड एट अ बायोस्फेयर रिजर्व इन द ईयर टू और रिवर्स की

और नंदा देवी बायोस्फेयर रिज़र्व इट इज़ लोकेटेड इन uh, उत्तराखंड और अगर हम बात करें पार्ट ऑफ चमोली पिथौरागढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्स ऑफ उत्तराखंड में ये फैला हुआ है एंड इट वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर नाइनटीन अगर हम बात करें रिवर के अलॉन्ग तो ये ऋषि जो ऋषि गंगा रिवर है उसके अलॉन्ग हम कह सकते हैं जो नंदा देवी बायोस्फेयर रिज़र्व है ये फैला हुआ है और यूनेस्को ने इसे डेजिग्नेट किया था एज़ अ बायोस्फेयर रिज़र्व इन द ईयर टू थाउजेंड एंड फोर नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच स्टेट इज नोकरेक बायोस्पेयर रिजर्व लोकेटेड राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मेघालय में नोकरेक रेक रिजर्व लोकेटेड है सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर सो पार्ट ऑफ गारो हिल्स मेघालय तो मेघालय के जो गारो हिल्स हैं वहाँ पर ये नोकरेक बायोस्फेयर रिजर्व लोकेटेड है इट वॉज स्टैब्लिश इन नाइनटीन ऐटी यूनेस्को डेजिग्नेटेड इट एज अ बायर रिजर्व इन टू थाउजेंड नाइन तो इस्टैब्लिशमेंट नाइनटीन ऐटी एट में हुआ था नोकरेक बायोस्फेयर रिजर्व मेघालय में है नाइनटीन ऐटी एट में स्टैब्लिश हुआ और यूनेस्को के अंडर टू थाउजेंड नाइन में आया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी द ग्रेट निकोबार बायोस्फेयर रिजर्व लोकेटेड राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है ये लोकेटेड है सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं द ग्रेट निकोबार बायोस्फेयर रिज़र्व इन कंपासज अ लार्ज पार्ट ऑफ द आईलैंड ऑफ ग्रेट निकोबार द लार्जेस्ट ऑफ़ द निकोबार आइलैंड इन द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंडस तो अंडमान और निकोबार आइलैंडस का जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है जो लार्जेस्ट निकोबार आइलैंड है हमारे अंडमान एंड निकोबार का तो वहाँ पर ये ग्रेट निकोबार बायोस्फेयर रिज़र्व लोकेटेड है जो यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंडर आता है सो नेक्स्ट देख लेते हैं इन विच स्टेट इज द गर्ल्फ ऑफ मन्नार बायोस्पेयर रिजर्व लोकेटेड राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी तमिलनाडु सो द फर्स्ट मारिन बायोस्फेयर रिज़र्व इन इंडिया तो अगर हम बात करें मन्नार बायोस्फेयर रिज़र्व की तो ये फर्स्ट मरीन हम कह सकते हैं बायोस्फेयर रिजर्व है कंट्री का द इंडियन पार्ट ऑफ़ द गल्फ ऑफ मन्नार बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका यानी बेसिकली हम कह सकते हैं तमिलनाडु में जो ये मन्नार बायोस्फेर रिजर्व है ये लोकेटेड है और 1989 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था नेक्स्ट देख लेते हैं इन विच स्टेट इज़ द मानस पायोस्फेयर रिजर्व लोकेटेड राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम में मानस सॉरी फॉर द इंटरप्शन सो नेक्स्ट है हमारा इन विच स्टेट इज़ द मानस पायोस्फेयर रिजर्व लोकेटेड राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी कि असम में मानस पायोस्फेर रिजर्व लोकेटेड है अगर हम बात करें कौन से पार्ट्स में ये फैला हुआ है सो तो पार्ट ऑफ कोकराझर बोंगाई बॉं, गांव, कामरूप एंड दरांग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम में मानस बायोस्फेयर रिजर्व फैला हुआ है इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर नाइनटीन हंड्रेड एटी नाइन और मानस बेकी रिवर के अलोंग ये लोकेटेड है और अगर हम बात करें यहाँ पे फोना की तो वाटर बफेलो एंड गोल्डन लंगूर आर द मेन फोना ऑफ दिस बायोस्फेयर रिजर्व यानी कि वॉटर बफेलो और गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है मानस बायोस्फेयर रिजर्व नेक्स्ट क्वेश्चन सिमलीपाल बायोस्फेयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विट स्टेट राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी यानी ओडिशा में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है सो पार्ट ऑफ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा में ये लोकेटेड है इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयो नाइनटीन हंड्रेड अगर हम बात करें यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फेयर में ये टू से है और ये बंगाल टाइगर एशियन एलिफेंट और चाऊ सिंघा के लिए फेमस है सिमलीपाल बायोस्फेयर रिजर्व लोकेटेड इन ओडिशा नेक्स्ट देख लेते हैं डिब्रूसाइकोवा पाओस्फेयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विद स्टेट द स्मॉलेस्ट पायोस्पेयर रिजर्व ऑफ़ द कंट्री राइट आंसर जयगर के लिए ऑप्शन ए यानी कि असम में डिब्रूसाइकोवा पायोस्पियर रिजर्व लोकेटेड है सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर पार्ट ऑफ डिब्रूगढ़ एंड तीन सुकिया डिस्ट्रिक्स ऑफ असम में ये लोकेटेड है इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन दू नाइनटीन हंड्रेड नाइन्टी सेवन सो so, अगर हम बात करें कौन से रिवर्स के अलोंग ये सिचुएटेड है सो so, ब्रह्मपुत्र रिवर लोहित रिवर एंड डिब्रो रिवर दिस इज द स्मॉलेस्ट बायोस्फेयर रिजर्व ऑफ इंडिया और फोना की बात करें तो कैब लंगूर और वाटर बफेलो के लिए ये फेमस है नेक्स्ट क्वेश्चन देहांग दिबांग बायोस्फेयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी अरुणाचल प्रदेश में देहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है सो पार्ट ऑफ सियांग एंड दिबांग वैली इन अरुणाचल प्रदेश अगर हम बात करें दिबा देहांग और दिबांग की तो देहांग देहांग एंड दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश के सियांग और दिबांग वैली में सिचुएटेड है 1998 में स्टैब्लिश हुआ था और प्रोटेक्टेड एरिया मोलिंग नेशनल पार्क और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका और फोना मस्क डियर और रेड पांडा के लिए ये बायोस्फेयर रिजर्व जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पंचमरी बायोस्फेयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट इंपॉर्टेंट है राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर सो पार्ट्स ऑफ बेटुल होशंगाबाद एंड चिंदवारा डिस्ट्रिक्स ऑफ मध्य प्रदेश में लोकेटेड है इट वॉसिश्ड इन अगर हम बात करें प्रोटेक्टेड एरियाज की सो बोरी सेंचुरी पंचमनी सेंचुरी एंड सतपुरा नेशनल पार्क आर द मेजर पार्ट्स कवर्ड बाय द दंचमनी बायोस्पेयर रिजर्व यूनेस्को डेजिग्नेटेड इट एज अ बायोस्पेयर रिजर्व इन द ईयर 2009 नेक्स्ट क्वेश्चन कंचनजंगा बायोस्फेयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विद स्टेट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सिक्किम So. सिक्के में कंचनजंगा बायोस्फेयर रिजर्व लोकेटेड है कंचनजंगा नेशनल पार्क वॉज डेजिग्नेटेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2016 अंडर द मिक्स्ड कैटेगरी एंड uh, कंचनजंगा बायोस्फेयर रिज़र्व वॉज इंक्लूडेड इन मैन एंड बायोस्फेयर रिजर्व प्रोग्राम इन 2018 तो कंचनजंगा को नेशनल कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट टू में बनाया गया था और अगर हम बात करें मैप प्रोग्राम के अंडर तो टू में इसे मैप के अंडर इंक्लूड किया गया Next question Agatsi Malai Biosphere Reserve is located in which state? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरला तो केरला में अगत सिमलाई बायोस्फेयर रिजर्व लोकेटेड है द अगत सिमाला और द अगत सिमलाई बायोस्फेयर रिजर्व इज अ अयोस्फेयर रिजर्व इन इंडिया स्टैब्लिश इन द ईयर टू थाउजेंड वन लोकेटेड इन द सदर्न मोस्ट एंड ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड इंक्लूड्स द स्टेट्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु बट बेसिकली ये केरला का मेजर पार्ट कवर करता है तो आपको केरला को राइट आंसर कंसिडर करना होगा सो इन टू थाउजेंड सिक्सटीन इट वॉज इंक्लूडेड इन यूनस्कोस मैन एंड बायोसफेयर रिजर्व प्रोग्राम 2016 में इंक्लूड किया गया था यू हैव टू रिमेम्बर दिस एज वेल नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अचान अचानकमार अमरकंटक बायोस्वेर रिजर्व इज लोकेटेड इन विट स्टेट तो राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी मध्य प्रदेश में अचानकमार अमरकंटक बसपर रिजर्व लोकेटेड है ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर और ये कवर करता है मेजर पार्ट ऑफ अनूपुर एंड डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर टू थाउजेंड फाइव

राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानि गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है पार्ट्स ऑफ कच्छ राजकोट सुरेंद्र नगर एंड पाटन सिविल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात को यह कवर करता है टू थाउजेंड एट में इसका, इसका स्टेबलिशमेंट हुआ था एंड द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज द गल्फ ऑफ कच्छ विच इज लोकेटेड इन गुजरात फौरन की बात करें तो बेसिकली इंडियन वाइल्ड लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये आपने याद रखना है काफ़ी बार एग्जाम्स में ये सवाल पूछा गया है क्वेश्चन right के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी हिमाचल प्रदेश में में है 2009 में इसे किया गया था और स्नो लेपर्ड के लिए ये फेमस है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फेर रिजर्व नेक्स्ट क्वेश्चन शेषलम हिल्स बायोस्फेर रिजर्व इज लोकेटेड इन विद स्टेट राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी आंध्र प्रदेश में शेष चलम हिल्स पास रिजर्व लोकेटेड है शेष चलम हिल्स रेंजेस कवरिंग पार्ट ऑफ चित्तौर एंड कडापा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश स्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका 2010 में नेक्स्ट क्वेश्चन पन्ना बायोस्फेयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मध्य प्रदेश में पन्ना बायोस्पेयर रिजर्व लोकेटेड है स्टैब्लिशमेंट इसका 1981 में हुआ था मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है प्रोटेक्टेड एरियाज में आता है इसका पन्ना नेशनल पार्क एंड केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिवर की बात करें तो केन रिवर के अलॉन्ग ये सिचुएटेड है जो यमुना रिवर की एक इंपॉर्टेंट टेरिटरी है केन पेटवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट विल बी लोकेटेड इन इट और जो केन पेटवा प्रोजेक्ट है वो पन्ना बारह रिजर्व के अंडर आता है 2020 में यूनेस्को ने इसे मैप प्रोग्राम के अंडर कंसिडर कर लिया था नेक्स्ट देख लेते हैं सो so, इसके साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई और ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है तो होमवर्क क्वेश्चन है आपका दिबरू साइकोवा बायोस्फेयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विट स्टेट इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सॉरी फॉर द इंटरप्शन बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम कफ राइट नाउ सो बिकॉज ऑफ दैट यू माइट हैव फेस्ड सम ऑफ द प्रॉब्लम सो सॉरी फॉर दैट सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन मे यू ऑल सक्सीड इन योर लाइफ